सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सुप्रीम कोर्ट कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, उत्तर कुंजी को न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, बाबा जी न्याय करो, न्याय, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। 75,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिल न्याय की गुहार लगाते पिछले 31 दिनों से धरने पर बैठे हैं। प्रदेश भर के दूरदराज जिलों से आए अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 माह पहले 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए अभ्यर्थियों को मेरिट कट ऑफ के अनुसार नियुक्ति के इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच के 25 अगस्त 2021 के पारित आदेश को सही करार देते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के आदेश दिए, किंतु अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी छात्रों को धरना देना पड़ रहा है, जो वर्तमान सरकार के लिए बेहद शर्मनाक बात है और न्यायालय की अवहेलना को दर्शाता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री जी उनसे मुलाकात कर उन्हें नियुक्तियां नहीं दे देते, तब तक उनका धरना अनवरत रहेगा। हमारे संवाददाता ने अभ्यर्थियों से बातचीत की, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 75,000 शिक्षक भर्ती से पीड़ित अभ्यर्थी हैं और हम लोग 5 साल 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट, 5 साल से हम तो पहली बार झेल रहे इस चीज़ को और सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक नंबर प्रदान किया। 10 महीने हो गए, उसका अनुपालन नहीं हुआ और प्लस हम लोग 8 अक्टूबर से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इको गार्डन में, SCRT से लेकर इको गार्डन कितने घर में हम लोग दे चुके हैं और कितना देना पड़ेगा अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मैं पर्सनली यहाँ के अधिकारियों से मिलने गई थी, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें एक नंबर दिया है, ऑर्डर हमारा पास हुआ था 9 नवंबर 2022 को, 10 महीने हो चुके, हमने उनको कितनी बार विज्ञापन दिए, सब कुछ दिया और पर्सनली हम मिलने गए उनसे तो वो साफ कहते हैं कि 10 महीने क्या, 5 साल भी बैठना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग ये क्या, आप लोग नहीं जानते ये मुद्दा कोर्ट में जाएगा, बल्कि हमारे कोर्ट से बिल्कुल क्लियर झंडी, हरी झंडी मिल गई कि इन अभ्यर्थियों को जो हम लोग याची हैं एक नंबर से पास, कम से कम 22,049 लोगों की लिस्ट बन चुकी है जो PNP से यहाँ पे आ चुकी है SCRT में, लेकिन यहाँ SCRT के अधिकारी जो हैं वो साइन नहीं कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति पत्र मिले। उनके एक साइन से यहाँ 22,049 लोगों का भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है, बट वो साफ इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, वो कहते हैं कौन से 69,000 वाले हो, किस 69,000 वालों को नौकरी दे, या 1,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा था उनको तो नौकरी हम दे चुके हैं, तुम कौन से 69,000 वाले हो, साफ वो मना कर रहे हैं, वो देना ही नहीं चाहते नौकरी, आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि 68,000 का मैटर सॉल्व हो जाए, अरे 68,000 से हमको क्या मतलब है, कट ऑफ भी हमारी निर्धारित थी, TC कट ऑफ पे काउंसलिंग हो चुकी, फिर भी वो हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं या देना नहीं चाहते, उनको हमारे धरना देने से भी फर्क नहीं पड़ता है। कितने दिन से धरना दे रही हूँ, आगे क्या रणनीति रहेगी? धरना तो हमने इलाहाबाद से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक दिया है, लेकिन SCRT में हम लोग PNP से जब वहाँ पे 2,249 लोगों की लिस्ट आ चुकी तो हमने उन्हें अवगत कराया SCRT में। हमारा पहला धरना था 8 तारीख को, 8 अगस्त को था, तो आज 8 अगस्त से 31 मतलब सितंबर, 5 सितंबर भी बीत चुके, हम लोग आज यहाँ पे हैं, 31वां दिन है ये, और हम लोग सोचे राखी मैं अपने भाई को बांध रहे वहाँ नहीं कि मैंने यहाँ के भाइयों को राखी बांधा, 15 अगस्त हमने यहाँ मनाया, 5 सितंबर जो हमें अपने बेसिक अपने निजी स्कूल में होना चाहिए था हम लोग यहाँ पे 5 सितंबर मनाए, या हम लोग इसलिए हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया कि हम लोग आज जन्माष्टमी भी यहाँ मनाया, कितने साथी हमारे जो हैं बेहोश हो गए, घायल हो गए, मैं आती हूँ कैसे आती हूँ, कहाँ 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 चोट लगती है, ये देखिए यहाँ चोट लगी हुई है, मुझे ऑटो से यहाँ चोट लगी हुई है, इसके जॉइंडिस है, ठीक है, ये आई है, ये आई अयोध्या से, ये आई है बलिया से, और मैं आई हूँ फिरोजाबाद से, मतलब कैसे हम लोग मैनेज करते हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन अधिकारियों को हमारी पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमारे नौकरी का सम्मान नहीं, यहाँ सम्मान है सर्वोच्च न्यायालय, क्या ये अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं है, हम न्यायपालिका पे तो अब विश्वास ही नहीं करेंगे, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम रोज़ रोज़ कोर्ट कचहरी करें, हम कैसे यहाँ आ रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अगर पैसे होते इंसान पढ़ता क्यों, ताकि वो रोज़गार प्राप्त कर सके, कमा सके, लेकिन हम पढ़े लिखे योग्य होकर यहाँ धरना दे रहे हैं, आम जनता है ना, तो मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है। मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, कम से कम हमारी आवाज़ आप लोग उठाते हैं मीडिया वाले, अगर किसी ने साथ दिया है तो वह है मीडिया वाले, मीडिया वाले हमें पीड़ा को समझते हैं, आप आए आज तक आए, जितने भी IBN वाले मीडिया वाले, मैं सभी मीडिया वालों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि माननीय
मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, क्योंकि हमें तो उनसे मिलने दिया नहीं जाता और ना ये अधिकारी हमारी बातों को सही तरीके से मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि आज हमें यहाँ झेलना न पड़ता, आज हम अपने विद्यालय में होते हैं, क्योंकि वो योग्य अध्यापक चाहते हैं। हम टेट सीटेट हर चीज़ पास हैं, योग्य हैं, नहीं तो हमारे यहाँ फिर से टेस्ट ले लिया जाए, हम दोबारा टेस्ट दे देंगे। और ना यकीन हो तो हमारे विद्यालय में जाके देखा जाए हम पढ़ाते कैसा है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा निर्णय लेंगे और बहुत अच्छा न्याय करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ पर्सनली मुख्यमंत्री जी यहाँ हमसे मिलने आए। यहाँ जितने मीडिया वाले हैं, जितने अधिकारी हैं, वो हमसे पर्सनली मिलने आए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं इन्जॉय करें, ऐसा कुछ नहीं है। जब पेट भूखा होता है ना तो इंसान इन्जॉयमेंट नहीं करता है, और अपने घर परिवार का खर्चा भी हम लोग नहीं उठाने योग्य हैं। तो मैं आशा करती हूँ मुख्यमंत्री जी हमारे दर्द को समझे, वो पर्सनली हमसे मिलने आए, क्योंकि अधिकारी तो हमें नौकरी देना नहीं चाहते, योग्य होते हो भी कम से कम आप ही दे दें। हम भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से एक नंबर मिला है, अपने अधिकार के दम पे मिला है, हम उनके सम्मान में यहाँ खड़े हुए हैं। बाकी हमारी सहपाठी कुछ बोलना चाहते हैं आप उनसे? हम अयोध्या से आए हैं, 69,000 उत्तर कुंजित पीड़ित छात्रा हैं। हमारा ये है कि लगभग 10-11 महीने बीत चुके हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से एक नंबर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि एक नंबर से जितने भी अभ्यर्थी पास हैं वो उनको नियुक्ति दी जाए, जो भी मेरिट में आए उनको नियुक्ति दी जाए। पिछले आज 31वां दिन है जो हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर धरने में बैठे हैं, हमारे कई साथी बीमार भी हुए और अभी तक का कोई अधिकारी सुनते भी नहीं है, ना मिलने आते हैं। सिर्फ आप लोग ही हैं जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, जनता तक पहुँचा रहे हैं, बाकी यहाँ तक कोई नहीं आता है। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। हम ये चाहते हैं हमारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी चाहे जब तक बैठने पड़े हम यहीं बैठेंगे इको गार्डन में। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।